सिंधी कैलेंडर की 17 व 18 तारीख को फागुन मेले का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैशाली नगर स्थित हाथीराम धर्मशाला में किया गया। इस मौके पर कोविड-19 की पालना करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह आयोजन अंग्रेजी कैलेंडर के 31 मार्च और 1 अप्रैल को आयोजित होंगे। इस दौरान सत्संग कीर्तन भजन के साथ साथ प्रसादी का आयोजन सिंधी समाज के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने हर्षोल्लास से अपनी भागीदारी निभाई और कोविड-19 पालना की गई। अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में सिंधी समाज द्वारा कई तरह के उत्सव और वर्षी महोत्सव होते आए, उन्हीं परंपराओं को जारी रखते हुए अजमेर में वैशाली नगर स्थित UIT कॉलोनी में संत हाथीराम दरबार पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंधी तारीख जो होती है फागुन माह की 16 और 17 तारीख, और उसी के अनुरूप हर वर्ष यहाँ पे मेला भरता है। इस वर्ष 16 तारीख आज 31 मार्च को हुई है और 17 तारीख 1 अप्रैल को होगी। ये दोनों दिवस यहाँ पे संत का भंडारा, प्रसादी और मेले का आयोजन जबरदस्त तरीके से होता था, किंतु कोरोना काल के कारण यहाँ पर हम लोगों ने भी इन चीज़ों का ध्यान रखा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत कम संख्या से में जो यहाँ पे श्रद्धालु बाहर से भी आते थे, उनको भी हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप कम संख्या में पधारे, और उसी के अनुरूप ही हमने आज यहाँ पे सुबह सुखमणि साहब के पाठ के साथ में मेले का शुभारंभ किया। और दिन में आम भंडारे की जो प्रसादी चलती है उसको निरंतर जारी रखा, किंतु उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पैकेट सिस्टम से हमने उसको किया। और अब यहाँ पर संतों के समक्ष भगत, परंपरागत जो सिंधी भगत होती है, उसका आयोजन होगा, सत्संग कीर्तन होगा, शाम को आरती का आयोजन होगा, और आरती के बाद में आम भंडारे की प्रसादी पुनः कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए की जाएगी। और कल प्रातः जो यहाँ पर बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार और पलान छुड़वाने वाले कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम अच्छे तरह से करें और संतों की मर्यादा के भी जो ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करें। आपका नाम अंकल? मैं जयकिशन परवानी, सेवक संत हाथीराम दरबार।